बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के तीन पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं। कई माताओं की आदत होती है जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। ऐसे उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।